अगर आप देखें, खान साहब ने भी ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि मैन आर नॉट रोबोट्स। इसके अलावा जब मोटरवे का रेप केस हुआ था तो उस वक्त के जो CCPO लाहौर थे उन्होंने भी इस किस्म की एक स्टेटमेंट दी थी। जो इंडिया में हो रहा है ना बेसिकली, व्हाट सरप्राइजिंग इज कि इट ओनली टारगेट्स द मुस्लिम्स। रिलीजन पे अगर आपको बात करनी है तो हाउ इज इस्लाम द ओनली रिलीजन दैट इज कैंसलिंग हिंदुइज्म आउट, राइट? हमारी सोसाइटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो जो है ना वो इस तरह की चीज़ें सपोर्ट कर सके। उनके नज़दीक सिर्फ यही होता है कि बच्चा जो है वो अच्छे नंबर लेके मैट्रिक FSC करके इंजीनियर डॉक्टर ये लग जाए। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डायरेक्टरेट न्यूज़, जहां हम हफ्ते भर की टॉप न्यूज स्टोरीज को आपके लिए कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं। मेरा नाम है सैयद फराज हुसैन, मेरे साथ हैं आयशा अली एंड अदील समर। अस्सलाम वालेकुम। आयशा बताएं आपका हफ्ता कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, इस दफा तो रमजान आई गेस मौसम की वजह से या किस वजह से बिल्कुल भी पता नहीं, फील नहीं हो रहा है। बड़ा प्लेजेंट मौसम, जस्ट गॉन बाय टू फास्ट। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू और बड़ा एक मंडेन किस्म का, और दिन भी छोटे लगते हैं क्योंकि काम थोड़ा कम होता है, ऑफिस आवर्स कम होते हैं, इसलिए बड़ी जल्दी गुजर जाता है। सबसे पहले हम आते हैं अपनी पहली स्टोरी के ऊपर। हमारे दिन छोटे हो रहे हैं लेकिन मेरे ख्याल से जो हमारी जुडिशरी है उनके लिए बड़े लंबे दिन उन्हें महसूस हो रहे होंगे। जो हमने पिछले हफ्ते भी स्टोरी की थी प्रोविंशियल इलेक्शंस की, उसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि जो इलेक्शंस हैं वो होने थे अप्रैल के एंड में, लेकिन अब वो चूँकि ये पिछले कुछ दिन ज़ाया हुए हैं एक तरह से सारी प्रोसीडिंग्स में, और वो जितने भी प्रोसेस था इलेक्शंस का वो डिले हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा आगे कर दिया, 14 मई तक कर दिया। जो बेंच जिसने ये फैसला सुनाया, शुरू तो 5 रुकनी से हुआ था लेकिन पिछले हफ्ते हमने बता दिया था 2 जजेस ने अपने आप को इस प्रोसीडिंग से एक्सक्यूज़ कर लिया था। जो हेड किए थे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल थे, उसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल अहसन जो थे वो बेंच का हिस्सा थे। इन्होंने ये फैसला सुनाया और इसकी मैं कुछ हाईलाइट्स दे देता हूँ। एक तो जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था 22 मार्च का, उसे कलअदम करार दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। इसके अलावा एक चीज़ जो वो आप डिटेल्ड फैसला देखें तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है वो हर एंगल जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था, जो उन्होंने कहा था सिक्योरिटी नहीं है, फंड्स नहीं है, उन सारों को एक एक करके एड्रेस किया गया, और हर चीज़ में यही एक फाइनल वो है कि अगर आपको हेल्प ना मिले गवर्नमेंट की तरफ से या आपको फंड्स ना मिले तो आपने सुप्रीम कोर्ट की तरफ आना है। एक जो मेरे ख्याल से एफर्ट देखी जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो ये है कि और ज़्यादा कोई क्राइसिस की तरफ मुल्क ना जाए, जितने भी कन्फ्यूजन्स लेटर ऑन हो सकते हैं उन्हें ऑलरेडी एड्रेस कर दिया जाए ऑर्डर के अंदर ही। कुछ जो चीज़ें फॉर एग्जांपल, अगर जो मेन चीज़ें थी वो तो सिक्योरिटी प्लान था और फंड्स थे। सिक्योरिटी प्लान के हिसाब से उन्होंने 10 अप्रैल की डेट दे दी है पंजाब के केटेकर गवर्नमेंट को, जो IG हैं वहाँ के पंजाब के और चीफ सेक्रेटरी हैं सिक्योरिटी के, उन्हें कह दिया कि आप इंतज़ाम देखें उसके बाद रिपोर्ट करें 10 अप्रैल तक, जो ECP है उसे रिपोर्ट करें। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि चूंकि आप फेडरल गवर्नमेंट हैं सिक्योरिटी आपकी ज़िम्मेदारी है, इसलिए FC हो चाहे मिलिट्री हो या कोई और सिक्योरिटी एजेंसीज हो आपने अवेलेबल करने हैं इलेक्शंस के लिए। उसके अलावा जहाँ तक फंड्स की बात है, फंड्स की एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी गई है, उन्होंने कहा है कि जो पंजाब के इलेक्शंस हैं उसे प्रायोरिटी में रखा जाएगा क्योंकि ये फैसला पंजाब के लिए था, तो जो फंड्स आपको दिए जाएंगे सबसे पहले वो अपने पंजाब के इलेक्शंस पे लगाने, अगर उसके बाद KP के इलेक्शंस के लिए नहीं बचते तो आपने दोबारा से रिपोर्ट करना है, उसके बाद आगे देख लेंगे क्या करना है। तो एक चीज़ आयशा जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ऑब्वियसली एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है 90 डेज़ का लिखा हुआ, लेकिन पंजाब को इतनी प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है? ऑब्वियसली पंजाब एक बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है प्रोविंस, स्पेशली फॉर PMLN, उनके लिए जो है वो इट्स बीन देयर सीट ऑफ पावर फॉर क्वाइट सम टाइम, और अब जो है वो जब से PTI आई गेस हैज़ टेकन कंट्रोल, दैट इज़ वन प्लेस दैट आई गेस इलेक्शंस अगर होंगे तो वहाँ पे दे कैन लाइक यू नो पुट अप अ फेयर इनफ फाइट। एक अपसेट मिल सकता है इमरान खान को वहाँ पे अगर मिले तो, बट शहबाज शरीफ ने जो है वो इस डिसीजन के खिलाफ जो है बहुत स्ट्रॉन्गली वर्डेड स्टेटमेंट भी दी कल असेंबली में, और उसने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर है। मोर ओवर आई थिंक व्हाट दिस डिसीजन हैज शोन इज कि आपकी जुडिशरी
की पावर आपको एक तरह से वेनिंग नजर आ रही है. अगर जो है वो पीडीएम डज डिसाइड कि उनको इलेक्शंस के साथ नहीं फॉलो थ्रू करना किसी भी पॉइंट पे, जो है वो दे डोंट वांट टू कोऑपरेट विद द जुडिशरी, तो जुडिशरी के पास क्या ऑप्शंस है? राइट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा सकता है, उसके साथ उनके क्या इम्प्लिकेशंस आएंगे, किस हद तक जो है वो ये बात मानी जाती है. हाँ, बट लाइक टू व्हाट एक्सटेंट डू दे फॉलो दिस, राइट? तो खैर अभी पिक्चर बाकी है. अच्छा, वैसे आपने ये बात की, ये मैं थोड़ी देर बाद क्वेश्चन करने वाला था लेकिन अभी कर लेता हूँ आयशा आपसे ये, कि एक ये देखा जा रहा है गवर्नमेंट के लोगों की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे, कर लो जो करना है. और पीटीआई की तरफ से जो पीटीआई के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब ये एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जुडिशरी के खिलाफ जाएंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे और एक विक्टिम कार्ड में वो मिल जाएगा कि विक्टिमाइज किया जा रहा है हमें. आपके ख्याल में ये कोई ऐसी स्ट्रेटजी होगी नून लीग की? और अगर ऐसी स्ट्रेटजी हो तो क्या ये काम करेगी? आई थिंक जिस हिसाब से हम अभी, सो दिस इज रियली जस्ट माई व्यू, कि अगर हम जुडिशरी की पावर जिस तरह से वेन कर रही है ना इस वक्त, और इंक्रीजिंगली पोलिटिसाइजेशन जो हम देख रहे हैं जुडिशरी में, जिस पर आई थिंक अदील बेहतर बात कर सकते हैं, कि अगर जो है हम वाकई में इस तरह से अगर वाकई में जो जुडिशरी है वो इसी तरह से फंक्शन करती रही, तो उनकी किस हद तक जो है वो पावर्स, यानी उनके ऑर्डर जो है वो किस हद तक इम्प्लीमेंट भी होंगे, राइट? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगेन किसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में होल्ड करना है, इज अगेन वन ऑफ द, यानी जुडिशरी की तरफ से आएगा ऑर्डर तो होगा. इसी तरह जो है वो अपनी तरफ से, खैर उन्होंने एक अच्छी कोशिश की है कि हम इलेक्शंस की ऑर्डर तो दे दें, हम तो गुड गाइज बन जाए सबके सामने, पर अगेन आई थिंक इट्स अ लिटिल सून टू से. मेरे ख्याल से आप ये देख रहे हैं कि पिछले एक डेढ़ साल से सिर्फ जुडिशरी नहीं, इस जो पूरा पॉलिटिकल टर्मोइल पाकिस्तान में हुआ ना, आपकी इकोनॉमी से लेके पॉलिटिक्स से लेके आपकी जुडिशरी, आपके आर्म फोर्सेस, सारे आपके जो मुल्क के इदारे थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं. अच्छा, इसी में मैं अदील आपसे बात करना चाहूँगा कि ये जो फैसला आया, इस फैसले के बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, एक छः रुकनी बेंच बना, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो सो मोटो केस था, सो मोटो केस के हवाले से उसके ऊपर एक वो फैसला सुनाना था, और 5 मिनट की डेलिब्रेशन के बाद फैसला सुना दिया गया. एक तो उस फैसले के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का कौन सा ऐसा सो मोटो केस था, और प्लस जो हम जुडिशरी के अंदर डिवाइड देख रहे हैं उसके ऊपर भी बताएँ कि क्या इसकी इम्प्लीकेशन था. यार मैं इसको स्टार्ट इस तरह करूँगा कि आई स्टिल रिमेंबर, मैं कल कहीं पढ़ रहा था और लिखा हुआ था कि ये फैसला ठीक है लेकिन बेंच ठीक नहीं है. तो ये एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट थी जो कि मुझे अच्छी लगी, ये मतलब एक अच्छी चीज़ लिखी हुई थी. अच्छा, अब पहले मैं इस फैसले पे और इसके साथ ही इसको जुडिशियल डिवाइड पे बात करूँगा. देखिए, फैसला आया, इसमें कोई शक नहीं, और फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है. मैं बल्कि कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है भी और नहीं भी. देखें, इसमें जो लीगल टर्म्स है ना कुछ, वो डिफाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि मेरे ख्याल से इग्नोर की गई हैं. जो कि अगर आप प्रोसीडिंग्स को देखेंगे, आप जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे इरफान कादिर, उनको अगर आप उनके जो दलायल हैं वो देखें बार बार, वो किस चीज़ पे फोकस करा रहे थे इनको, चीफ जस्टिस और इवन दूसरे दो जजेस को, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं मतलब सिंपलेस्ट टर्म्स में मैं आपको बताता हूँ कि आप ये देखें कि इरफान कादिर साहब ने कहा कि पहले डिसीजन में जो कि मार्च 1 का था, आई बिलीव अराउंड मार्च का था, कि आपने कहा कि जी इस एक जगह प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, मतलब आपने इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57 के तहत कहा कि कैसे अनाउंस होगी, और अभी आपने क्या किया, अभी आपने खुद अनाउंस कर दिया. तो इट्सेल्फ इज़ अ क्वाइट कंट्राडिक्टरी थिंग. मतलब ये लीगल टर्म्स में, मैं उस पर नहीं जा रहा कि आप आगे लेके जाना क्या है, क्या नहीं है. तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पता है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और ये शायद हमारे जुडिशियल सिस्टम को हार्म भी करें आगे जाके. खैर, उसमें वापस आते हैं, हम फ़ाइज़ ईसा पे बात कर रहे थे. वो जो उन्होंने सोमोटो लिया था वो बेसिकली था कि जो हाफिज़ होते हैं वो बेसिकली अप्लाई करते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, उनको एक्स्ट्रा 20 मार्क्स होने चाहिए, तो उसका एक ऑर्डर था. अभी देखें ना, इससे नज़र आता है कि जो वो जो मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा था कि फैसला अच्छा है लेकिन बेंच सही नहीं है. अब देखें, ये चीज़ आपने सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या किया जी, सर्कुलर निकाला. इसका मतलब है कि आपने जल्दी में निकाला, आपको समझ नहीं आ रही थी क्या हो क्या गया हमारे साथ, कि अगर इस सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर मोस्ट जज, जो कि सुप्रीम सिर्फ चीफ जस्टिस से जूनियर है, उसने फैसला किया कि जब तक 1843 तब तक यूज़ ना करें, हम मैं भी अपना फैसला क्लोज करता हूँ, सारे फैसले क्लोज करें तब तक जब तक हम प्रोसीजर्स नहीं बना लेते कि किस तरह इसको एक्सरसाइज करना है.
तो आपने सर्कुलर निकाला जल्दी से और जी ख़त्म, जी ये इसका वो नहीं होगा, और फिर उसके बाद आपने एक वो सिक्स रुकनी बेंच बना के जी उसको 5 मिनट के अंदर साइड पर कर दिया। तो ये इटसेल्फ शो करता है कि हमारे यहाँ जुडिशरी कितनी डिवाइड है। पर्टिकुलरली देखें, अगर कोई और जज होता ना, जूनियर होता, तो वो शायद इतना इम्पैक्टफुल ना होता। ही इज़ योर नेक्स्ट सीजे, ठीक है? तो जब इस तरह की चीज़ हो तो ये चीज़, और पर्टिकुलरली जो लोग इन चीज़ों को देख रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा गौर से फॉलो कर रहे होते हैं, देखें आपका चीफ जस्टिस होने के नाते आपके डुअल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते, किसी भी सूरत नहीं हो सकते। आप जो गवर्नमेंट बात करती है उनकी कुछ चीज़ों में दम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो बात करते हैं कि देखें सीजे जो हैं वो जब फ़ाइज़ ईसा का रेफरेंस आया तो वो आप उसकी, आई स्टिल रिमेंबर मैं जब उसको फॉलो कर रहा था तो फ़ाइज़ ईसा और उनकी जो वाइफ थी, इन्होंने कोई वकील हायर नहीं किया था, ये खुद पेश होते थे, खुद दलायल देते थे। और आई स्टिल रिमेंबर जब फर्स्ट दलायल देने शुरू किए थे फ़ाइज़ ईसा ने, तो जो बंदियाल साहब भी थे, इन्होंने कहा था कि भैया आवाज़ ऐसा रख के बात किया करें आप। दैट वॉज द कोर्ट सिनेरियो। इसी तरह उनकी वाइफ जो थी, क्योंकि वो वकील तो थी नहीं, ये तो चले फ़ाइज़ ईसा इटसेल्फ जुडिशल सिस्टम का पार्ट है, तो उनसे अजीब अजीब क्वेश्चंस मुनीब अख्तर ने किए। तो एक दफ़ा फ़ाइज़ ईसा खड़े हुए और कहा कि आप मेरी वाइफ से इस तरह के क्वेश्चंस ना करें, मेरे से करें, क्योंकि वो वकील नहीं है, आप उनसे क्यों इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप चुप करके बैठ जाएं, मैं पूछूंगा, वो दलायल दे रही हैं, वो जवाब भी देंगी। तो खैर नहीं, इस तरह की प्रोसीडिंग्स चलती रही हैं। लेकिन अब जब मुज़ाहिर नकवी की बात बारे में इतनी ज़्यादा चीज़ें आई हैं, तो आपकी जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो बेसिकली कहते हैं कि हम कैसे किसी के कहने पर जो है वो ट्रायल कर दें अपने जज का, आपको किसी जज के बारे में बात करनी है तो मेरे से पहले गुजरना होगा, मतलब इस तरह की चीज़ें। इसी तरह गाजी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ एक बड़ा, एक जो स्ट्रॉन्ग केस था वो उनकी जायदादों का था जो बाहर पड़ी हुई थी, exactly, जो उनकी वाइफ के नाम पे थी, तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वो था। नहीं नहीं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं था वो केस, वो इट वाज अ फ्लूक। इतना बड़ा फ्लूक था कि शहजाद अकबर साहब बाहर भागे हुए। इवन अभी आप देख लें, ये किसने भेजा था, इमरान खान ने भेजा था ना, इमरान खान की गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने होते हुए फिर सदर से, और आप सदर साहब को देखें वो क्या कहते हैं कि मतलब गलती थी। इट वॉज मतलब वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, उनकी वाइफ स्पेनिश नेशनल है, तो फिर क्या आप उनसे क्या कह रहे हैं कि वो क्यों बाहर है, उनकी जायदादें क्या है, जो भी है, खैर नहीं उसका वो एक डिफरेंट केस है। लेकिन वो केस वॉज जस्ट, वो तो बहुत ही अजीब केस था। इवन दैट वॉज द रीज़न कि आप ये देखें कि सीजे की सीजे वॉज ऑन दैट पर्टिकुलर, क्योंकि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हेड करते हैं, वो पूरे केस को अगर आप स्टडी करें तो वो उस केस से उन्होंने इख्तलाफ किया कि भाई ठीक है इस पर हम फैसला नहीं दे सकते, लेकिन FBR को जो भी है वो करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए जैसा भी है। लेकिन उसमें डिसेंटिंग नोट्स लिखने पड़े, क्योंकि वो फैसला जो ओवरऑल मेजोरिटी का था वो यही था कि भाई आप नहीं कर सकते इस तरह। पर्टिकुलरली देखें आप इसको थोड़ा सा और मॉरल वैल्यूज़ पे लेके जाएं, आप अपने फेलो जज के साथ इस तरह की जब सलूक करेंगे तो फिर आगे आके आपको और ज़्यादा मुश्किलात होंगी, और वो देख लें अभी हो रही हैं। अभी तो इवन जो हमारी गवर्नमेंट है वो बेसिकली कह रही है कि जो 3 जज हैं हम इनके खिलाफ भी शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले जाएँ। तो ये चीज़ें इस तरह नहीं होती। देखें आप जब भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, आपको इस तरह नहीं होना चाहिए, आपको पार्शल कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? जब आप इस तरह की चीज़ें, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी और अच्छी एग्जाम्पल्स देता हूँ। अभी रीसेंट केस की हेयरिंग के दौरान ही जो चीफ जस्टिस साहब है वो बड़े इमोशनल हो गए, वो बड़ी चर्चा हुई इसकी। आई स्टिल रिमेंबर मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब थे, उनकी जब डिस्क्वालिफिकेशन जो भी था वो सारा प्रोसेस हुआ, उसके खिलाफ वो अपील में गए, सारी चीज़ें थी, तो ये बंदियाल साहब उसी उसमें थे ज्यूरी में। और एक दफ़ा तो यूँ हुआ कि जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब है वो रोस्टम पे आया और उन्होंने ना बड़े जज्बाती अंदाज में कहा कि यार मैंने गलती की है, मुझे फांसी लगा दिया। उसने ये बात कर दी ना जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने, तो वो उस टाइम बंदियाल साहब ने उनको बड़ा डांटा था और कहा था कि ये अदालत है, यहाँ पे जज्बात एहसास की कोई वैल्यू नहीं होती। और अब इस प्रोसीडिंग में उन्होंने खुद कहा कि हमारी भी एहसास है, हमारी भी जज्बात है, और बड़े इमोशनल हो गए। तो लोग इसको भी कोट कर रहे थे कि भाई नहीं होता यूँ, जब आप किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस को देख रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर एनीवे, दैट वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू के इस सारे सिनेरियो के अंदर मेरे नज़दीक, मैं हार्श वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगा, बट कल्प्रिट देखें फैसला ठीक है, लेकिन फैसले के अंदर भी जुडिशियल चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि भाई डेट खुद नहीं देनी चाहिए थी, रादर फोर्स करते कि प्रेसिडेंट दे डेट, या जिसने भी देनी है जो भी लीगल उसकी चीज़ है, खुद नहीं देनी चाहिए थी। इट अपीयर्स एज इफ जुडिशरी इज़ टेकिंग एग्जेक्टिव स्टेप्स। वो कह रहे हैं कि जी पैसे दे दो इतने, ये तो वही साहब होगी जिसमें साहब निसार साहब पे सारे क्रिटिसाइज करते रहे, भाई ये क्या तुम हर किसी को कहते रहे हो कि भाई डैम फंड में जाए पैसे जमा करवा दो। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि फैसला अच्छा है, लेकिन इसके लीगल पहलू के को थोड़ा अमेंड करके अगर किया जाता ज़्यादा बेहतर था। और सेकेंडली ये चीज़ है कि जो भी डिवाइड है जुडिशरी के अंदर, इसमें आई बिलीव सीजे को बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करना चाहिए था। देखें
और मेरे नज़दीक मेरा नहीं ख्याल, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि कोई भी अगर ये फुल कोर्ट बना देते ना, फुल कोर्ट का सबसे अच्छा चीज़ ये होनी थी कि सारों का फैसला होना था और शायद जुडिशरी की डिवाइड कम नजर आती, और सेकंडली ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जज ये मानता है कि 90 डेज से आगे लेके जा सकते हैं, तो फैसला इन्हीं के हक में आना था। बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जो चीज़ें की हैं वो जिससे जुडिशरी इतनी डिवाइडेड, मैंने खैर हमारी तो इतनी उम्र भी नहीं है कि हमने कोई पुरानी 90s की चीज़ें याद हों हमें, लेकिन इतनी डिवाइडेड कभी नहीं देखी कि आप जो है वो सेकंड मोस्ट सीनियर जज जो है वो उसके खिलाफ बेंचेस बन रहे हैं, वो खुद जो है वो सुओ मोटो को रोक रहा है, तो ये काफ़ी नई चीज़ है। मेरा ख्याल है बॉटम लाइन ये है कि फैसला सही था, लेकिन जिस तरह से किया गया है उसमें थोड़े बहुत सवाल उठाए जा सकते हैं। अच्छा, एक अभी रिसेंट अभी आयशा ने एक स्टेटमेंट की बात की, शहबाज शरीफ साहब ने दी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कत्ल है, उन्होंने साथ साथ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के कत्ल की भी बात की थी कि 4 अप्रैल को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल किया और अब आइन का कत्ल किया, तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग और अजीब किस्म की इक्विवेलेंस थी, वो समझ नहीं आई मुझे, लेकिन खैर उन्होंने दे दी। इसके ऊपर मेरा ख्याल है अब और बड़ी करते 15 मिनट हो गए ना ये लोग सब। हाँ, जो दूसरी खबर आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फैली हुई है, खबर नहीं है खैर, वो एक हमारे पॉलिटिशियन है नबील गबोल साहब, उनकी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स हैं जो बड़ी पुरानी उन्होंने दी हुई, और वो एक साथ अब जब बंदा पकड़ा जाता है ना फिर वो बचना नहीं है, वापस आ जाती हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में आई थिंक द पाकिस्तान एक्सपीरियंस पे उन्होंने कहा था कि जो शहजाद रियाज साहब हैं होस्ट हैं, उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज़ को इस्तेमाल करके फेंक क्यों दिया जाता है, तो जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वन रेप इज़ इमिनेंट देन इन्जॉय इट। तो खैर उसके ऊपर बड़ा एक शोर उठा कि ये एक तो रेप अपोलॉजिस्ट टाइप भी, और ये इनसेंसिटिव है उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी ना किसी किस्म का सेक्सुअल वायलेंस एक्सपीरियंस किया है। इट्स लाइक इट्स जनरली वेरी अजीबोगरीब स्टेटमेंट है जो डिस्गस्टिंग नहीं कहना चाह रही मैं, बट या लाइक इट्स अ वेरी वियर्ड स्टेटमेंट टू गिव। अच्छा, इसका मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ, मैं थोड़ा बहुत देख रहा था, ये जो ये स्टेटमेंट है ना व्हेन रेप इज इमिनेंट जस्ट एंजॉय इट, ये सरप्राइजिंगली ये पहली दफ़ा नहीं दे रहे, इन्होंने 2012 की एक इनकी ट्वीट है जिसके अंदर सेम इन्होंने ये चीज़ लिखी भी है। जो इसके अलावा अगर आप इंडिया में देखें तो 2021 में कर्नाटका से जो उनके कांग्रेस मेंबर हैं के आर रमेश कुमार, जो मेंबर भी हैं वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, बिल्कुल सिमिलर स्टेटमेंट थी। इसके अलावा अगर आप अमेरिका में देखें तो 2022 में एक रिपब्लिकन है रॉबर्ट रिगन, तो उन्होंने ये कहा था, सिमिलर थी वो, उन्होंने ये कहा था कि वो अपनी बेटियों को ये समझाते हैं कि व्हेन रेप इज इनेविटेबल एंजॉय इट। तो ये एक बड़ी वो है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं हर जगह ये अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। जो वैसे ये स्टेटमेंट है इसकी एक वो एक किसी ने इन्वेस्टिगेट किया हुआ था थोड़ा सा कि ये कहाँ से ओरिजिनेट किया, तो वो कुछ कह रहे थे कि 1998 का एक नावल है द एक्स्ट्रा मैन जोनाथन एम्स का, तो उसके अंदर ये लाइन इस्तेमाल की गई थी जिसके बाद ये इस्तेमाल कर रहे हैं। या नबील गबोल से पूछ रहे हैं इनके प्रोनाउंस। हाँ, नबील गबोल से पूछा जा सकता है ये उन्होंने कहाँ से। इट्स फेवरेट बुक। सुनिए, अच्छा ये इसके बाद तो खैर शो कॉज नोटिस भी उन्हें पीपल्स पार्टी की तरफ से जारी हो चुका है। आपके ख्याल में ये इस किस्म की जो आयशा जो इस किस्म की प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स हैं, क्या ये एक लैक है किसी किस्म के, हम क्योंकि हम अकाउंटेबल नहीं ठहराते लोग ये देख के, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है। अगर आप देखें खान साहब ने भी ऐसी स्टेटमेंट दी थी मैन आर नॉट रोबोट्स। इसके अलावा जब मोटरवे का रेप केस हुआ था तो उस वक्त के जो CCPO लाहौर थे उन्होंने भी इस किस्म की एक स्टेटमेंट दी थी। तो क्या जो ये जो मैन इन पावर है, क्या इनका ये एक बिलीफ होता है कि इन्हें कोई अकाउंटेबल नहीं ठहराएगा, ये कोई भी स्टेटमेंट दे के साइड पर हो जाएंगे? आई थिंक हम अगर अपने पोलिटिकल सिस्टम की बात करें, या अगर हम इंडियन पोलिटिकल सिस्टम की बात करें, या इवन अमेरिकन रिपब्लिकन सिस्टम की बात करें, राइट, we see that these people are people who are who have their roots in power, theek hai, they're people who come from the elite classes, aur wahan pe yani kafi had tak pakistan mein to khair har level pe patriarchy ki hame bahut achhi understanding hai ki kis tarah se jo hai wo is kisam ki victim blaming statements to hamare yahan aam hi hai, right, but आई थिंक इट्स जनरली एक हमारा विरसा भी आप कह सकते हैं कि हमें एक चीज़ जो हमें मिली है ना अपनी ओल्डर जनरेशन से, दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स, होल्डिंग द पावरफुल अकाउंटेबल फॉर मेकिंग दीज स्टेटमेंट्स, फॉर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट्स हैज ऑलवेज बिन अ टास्क इन पाकिस्तान। आपने कब जो है वो यानी ये तो फिर डिसमिस
कर दी जाती हैं ऐसी बातें। मुझे सॉरी कंट्रोल मत जाते, नहीं नहीं आप बोलो। मुझे उस आपकी आपने कहा कि कभी नहीं किया जाता, तो मुझे मुशर्रफ साहब की वो स्टेटमेंट याद आ गई जब मुख्तार अमाई साहब का साहिबा का वो रेप केस हुआ था, तो उन्होंने कहा था ये खवातीन करा लेती हैं असाइलम लेने के लिए, तो ये उन्हें भी कुछ नहीं, हालांकि वो कितनी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है लेकिन कुछ नहीं कहा गया। लेकिन वही ना यानी सो इट्स वो एक कोर्ट भी है पता नहीं किधर हम आई गेस वाई बी क्यू के उसमें मैं सुन रही थी कि हिज स्टोरी is actually and history is actually his story and I think what's also problematic is kis tarah se jo host hai wo respond kar raha hota hai ek jagah pe jo hai wo shehzad ghiyas ne jo hai wo foreign se usko shut down kar diya ke jab usne kaha ke you know people say this so he said nobody says this aur dusri taraf jo hai wo the other host ha he was completely enjoying it aur wo yani bilkul ghul mil raha tha usme and I guess that just goes to show आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई गेस्ट कोई इनसेंसिटिव स्टेटमेंट देता है तो आपको सबसे पहले अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे देना चाहिए उसी वक्त, ताकि उसे बेवजह की एक अटेंशन ना मिले और आगे बात ना बढ़े। अच्छा, ये जो नबील गबोल साहब की स्टेटमेंट है ये 2012 में तो खैर उन्होंने ये ट्वीट की थी, लेकिन इसके अलावा भी इनकी बड़ी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स आई हैं। इन्होंने एक शो में कहा था हमें तो जो पसंद आती है हम उठा लेते हैं, लड़के ख़वातीन के बारे में कहा था, और एक उसमें वो पूछ रहे थे मेरा ख्याल उसी पॉडकास्ट में नादिर अली की साहब की पॉडकास्ट में ही, हाँ, एक और एपिसोड लेकिन होस्ट सेम थे, तो उन्होंने कहा था कि वो मेरा दिल ये पुकारे वाली मॉडल का नंबर है, और वो बड़ा एक सजेस्टिव तरीके से कहा था। और अच्छा, एक वैसे मैंने एक चीज़ एक ट्रेंड देखी है, नाम लूँ या ना लूँ, जब से वो नाशपाती प्राइम के ऊपर एक शो आया करता था और उसके अंदर एक ख़ास एपिसोड थी मथीरा वाली और वो बड़ी वायरल गई थी, उसके बाद से मैंने देखा जब भी आप किसी एक ऐसी सेटिंग, एक फनी सेटिंग या कॉमिक सेटिंग में आप जब लोगों को बिठाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो बहुत ज़्यादा जोक्स क्रैक करें और वो कुछ ज़्यादा ही अपनी लिमिट से निकल जाते हैं। वो जोक्स यानी वो वाले जो इन विंडोज में आ जाते हैं ना कि यानी इम्प्लाइड और गलत किस्म के, वो खैर आई गेस वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमेडियन पर ख़ुद भी डिपेंड करता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉमेडी जो है वो हर स्फीयर ऑफ लाइफ में एग्जिस्ट करती है और सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे नहीं एग्जिस्ट करती, सो द डर्टी काइंड ऑफ कॉमेडी रीडिंग चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा आयशा, एक जो बड़ी स्टोरी आजकल आ रही है सामने वो नादरा की है, जो पिछले साल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट्स थी तो कुछ कहा जा रहा है कि जो आपके आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब उनके डेटा लीक किया गया था और उसकी बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं क्या था। सो बेसिकली अभी जो है वो थोड़ा सा आई गेस अ फ्यू डेज बैक जो है वो इन्वेस्टिगेशन प्रोब जो हुआ था उसका अब जो है हमें कुछ न्यूज़ मिल रही है उसके बारे में कि हाउ द प्रोसीडिंग्स वेंट। तो उस टाइम पे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की जो है वो फैमिली के रिकॉर्ड्स एक्सेस किए गए, उनके शनाख्ती कार्ड डेटाज निकाले गए और उसको जो है वो FIA की इंटरनेशनल बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में जब डाला गया तो उनके फिर इंटरनेशनल ट्रैवल्स उनकी फैमिली के सारे ट्रैक किए गए। कहा जा रहा है कि उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड नज़र आया कि हिज फैमिली वॉज विजिटिंग ईरान, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच यानी ये एक इम्प्लिकेशन बनाई गई उनकी अपॉइंटमेंट के खिलाफ कि ये इनके तो बहुत क्लोज टाइज है ईरान से, तो बेसिकली सऊदी अरब को दिखाने के लिए था और सऊदी अरब जो है वो नहीं मानेगा इस बात पे। तो उसके बाद जो है खैर आफ्टर द डेटा वाज लीक देयर वाज एन एंटायर इंक्वायरी जो चेयरमैन नादरा ने होल्ड की, उसकी बेसिस पे जो है वो उन्होंने 5-6 लोगों को जो है वो आइडेंटिफाई किया, उसमें से जो जूनियर ऑफिसर्स हैं देयर स्टिल सस्पेंडेड, जो सीनियर्स हैं उनकी अभी चल रही है इंक्वायरी एंड दैट इज यानी इस फ्रंट पे जो है वो सिर्फ यही न्यूज़ है सो फार। सही। अच्छा, आर्मी चीफ के हवाले से एक और बड़ी खबर जो आई है, वजाहत खान साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग डाला था और उसमें वो स्टोरी ब्रेक की थी कि इनके खिलाफ आर्मी चीफ के खिलाफ कुछ बातें चल रही हैं कि उन्होंने नेपोटिज्म के अंदर एक इंडल्ज किया। एक और आर्मी चीफ के खिलाफ जो खबरें चल रही हैं वो ये हैं कि यूके की डिफेंस एकेडमी होती है शिवनम एकेडमी, तो उसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से दो ऑफिसर्स जाते हैं, एक तो जाते हैं डायरेक्टिंग स्टाफ जाते हैं एक इंस्ट्रक्टर की हैसियत से और एक वहाँ पर होते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं। तो कहा यह जा रहा है जो वजाहत खान साहब ने कहा है कि जो डायरेक्टिंग स्टाफ थे
वहाँ पे लगा दिए गए हैं जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड, उनके बहनोई को, और जो एज अ स्टूडेंट या एज अ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं एक और ऑफिसर, वो हैं दामाद आसिम मुनीर साहब के। ये चीज़ें एक इत्तेफाक होना मुश्किल लगती हैं क्योंकि दोनों आर्मी चीफ रह चुके हैं, मतलब आसिम मुनीर तो अभी हैं और एक रह चुके हैं, तो इसके खिलाफ बात की जा रही है। इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि इस स्टोरी को ज़्यादा कवर नहीं किया गया, ये बड़ी रिसेंटली ब्रेक की है। एक ये भी कहा जा रहा है कि कर्नल असद हैं जो ISI के स्टेशन चीफ इंग्लैंड में थे, और उन्हें हटा दिया गया, और हटाया इसलिए गया है अलेजडली कि वो वहाँ पे जो मेजर आदिल राजा हैं जो अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ क्रैकडाउन या उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करने का कहा जा रहा था, वो नहीं कर रहे थे, और भी कुछ जो डिसिडेंट्स हैं जो UK में बैठे हुए हैं उन्हें कंट्रोल करने का कहा जा रहा था, तो कर्नल असद ने वो नहीं किया अलेजडली। जो कर्नल असद है उनकी रेपूटेशन काफ़ी बड़ी थी, एक अच्छी रेपूटेशन थी एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो कोयटा में कुलभूषण यादव पकड़े गए थे उसके अंदर उनका बड़ा रोल था। अच्छा, इसके बारे में हम ज़्यादा कह नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा कवर नहीं किया गया, बड़ी रीसेंट स्टोरी है। लेकिन अदील, अगर इस इंफॉर्मेशन के ऊपर देखा जाए तो आपका ख्याल है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो मेरिट के ऊपर जानी जाती थी कि एक इदारा है जो मेरिटोक्रेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एक फूट टाइप से या रैंक एंड फाइल्स का एक डिसप्लेजर है? वो जो कहते हैं ना जमाने जाहिलियत में ये चीज़ें मशहूर थी कि मेरिटोक्रेसी को बड़ी जो है वो फकीय देते हैं, मैं तो इसको नहीं मानता था पहले भी। खैर, एनीवे मैं समझता हूँ कि पहली चीज़ तो इस स्टोरी के बारे में ये है कि क्योंकि चीज़ें कंफर्म नहीं है, सो वी कैन जस्ट हम अपना आर्गुमेंट बिल्ड नहीं कर सकते इस पर। बट एनीवे एक चीज़ तो है कि डिवाइड इन द रैंक्स वो सामने आ रहा है इससे, और ये पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द एंड ईयर ऑफ बाजवा से ही पता चल गया कि ऐसी चीज़ें कि काफ़ी ज़्यादा डिवाइड है विद इन द रैंक्स। लेकिन इस चीज़ को अगर आर्मी रिफ्यूट करती है जैसा भी है, इस चीज़ पर अगर आर्मी कोई चीज़ एक्शन लेती है तो वो एक रिफ्यूजल आना चाहिए डेफिनेटली, इससे से होगा, बिल्कुल तो जरूरी भी है। अच्छा, इसके बाद हम अपनी अगली स्टोरी के ऊपर चले जाते हैं। ये पिछली दो एपिसोड्स में भी एक थीम देखी जा रही है कि पाकिस्तान में तो टर्मोइल है लेकिन पाकिस्तान अकेला नहीं है, हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमें अकेला नहीं छोड़ते, तो इंडिया में भी कुछ ना कुछ वो चलता रहता है। इंडिया के अंदर कम्युनल राइट्स चल रहे हैं, राम नवमी उनका फेस्टिवल होता है इंडियंस का, जो उनके राम एक देवता है उसकी सपोर्ट में होता है, उनके जन्मदिन के उस पर होता है उसका। एक चीज़ ये है कि ये शुरू से जब से हो रहा है और ये बड़ा पुराना है, ये डेकेड्स से हो रहा है, ये करते ही हैं कि मस्जिदों के सामने जाके गाने ज़ोर से लगा देते हैं और वहाँ से गुजरते हुए। तो जब भी ये राइट्स होते हैं, एक पुलिस ऑफिसर ने इन राइट्स के बाद भी, मुझे एज सच वो पता नहीं है कि कितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं या कितनी इंजरीज हुई हैं, 2 कैजुअल्टीज़ हुई हैं, और इंजरीज़ का आपको कोई आइडिया है शायद? इंजरीज़ का ऐसा अभी फिगर नहीं आया, लेकिन पुलिस ऑफिशियल, एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल कह रहे हैं कि उन पर पत्थर फेंके गए थे जो हिंदू लोग वहाँ से गुजर रहे थे, और ये पहले भी देखा गया, वो मस्जिदों के सामने से गुजरते हैं तो फिर एक रिएक्शन आता है, पत्थर फेंके जाते हैं, और फिर इसके रिएक्शन में एक मदरसा जो मदरसा अजीज़िया है उसे जला दिया गया। काफ़ी ज़्यादा आप आयशा बता रही थी कि मॉस्क वगैरह भी, कुछ और थोड़ा सा बताएं कि क्या डैमेजेस एग्जैक्टली हुए क्या? I think before we talk about what's happening in India, it's also important to mention what's happening in Palestine. Israeli forces ne jo hai wo kal raat ko I guess they Al-Aqsa complex ke andar ek mosque hai, Qibli mosque ke naam se, wahan pe ghus ke jo hai wo worshippers ko mara hai, aur uske sath sath jo hai wo jo bhi unhone raid ki hai usme unhone udhar ka medical center bhi destroy kar diya hai. तो दिस इज़ नॉट एनी थिंग न्यू दैट वी आर सीइंग। उसके साथ साथ आई थिंक इंडिया में जो इंडिया में हो रहा है ना, बेसिकली व्हाट सरप्राइजिंग इज़ कि इट ओनली टारगेट्स द मुस्लिम रिलीजन पे अगर आपको बात करनी है तो हाउ इज इस्लाम द ओनली रिलीजन दैट इज कैंसलिंग हिंदुइज्म आउट, राइट? खैर, उनका मानना ये है और होता ये है कि पिछले 2 सालों से हम जो देख रहे हैं वो ये होता आ रहा है कि अब जो है ये लोग रूट्स अपनी जो बनाते हैं प्रोसेशन की, वो जानबूझ के ऐसी बनाते हैं जो मुस्लिम एरियाज़ और मुस्लिम वर्शिप प्लेसेस के सामने से गुजर के जा रही होती हैं, और वहाँ पे जाहिर सी बात है अब प्रोसेशन गुजर रही है तो वहाँ पे म्यूज़िक भी है, जिस किस्म का म्यूज़िक है वो तो हम सब ने देखा हुआ है, नारेबाजी होती है हिंदुत्व पॉप बिल्कुल, और यानी इवन जो उनके नारे होते हैं वो भी बहुत
प्रोवोकेटिव होते हैं। हाँ, बहुत प्रोवोकेटिव होते हैं, तो आगे से जब कोई रिएक्शन आता है या इवन अगर ये लोग खुद किसी एक बंदे को पकड़ के पहले मार देते हैं, ऑब्वियसली हर केस को हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि मुस्लिम्स ने स्टार्ट किया या हिंदूज ने स्टार्ट किया, बट द पॉइंट इज के अब जो है वो ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया कि मुस्लिम एरियाज और मुस्लिम मॉस्क के सामने से गुजर के जाना होता है। पहले जब ये होती थी तब रूट इस तरह का बनाया जाता था कि ये पॉसिबल ना हो, अब जो है वो इट्स वेरी ओपन कि दे'ल टेक इट व्हेयरएवर दे वांट टू गो। अच्छा, ये इसमें तो अभी तक 2 कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं। अगर आप स्केल देखें ना, 1979 में जमशेदपुर रायट्स हुए थे, यही केस था इनका, यही फेस्टिवल चल रहा था रामनवमी, और 108 लोगों की जो डेथ्स हैं वो रिपोर्ट की गई थी, जिसमें जो मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम थे, ऑलमोस्ट 75-76 जो थे वो मुसलमान मारे गए थे, लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ को ठीक नहीं किया गया। और अदील जी, इनिशियली जो है ना, ये कुछ स्टेट्स में होता था, किसी एक सिटी में होता था, कोई एक आध आइसोलेटेड इंसिडेंट आता था। अब तो व्हेन दिस हैपेंस, इट हैपेंस इन लाइक मल्टीपल स्टेट्स। इस दफा जो है वो गुजरात में हुआ, कर्नाटका में हुआ, और सॉरी गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, और फिर वेस्ट बंगाल में हुआ, राइट? तो आई थिंक के वो जो थॉट है इट्स ग्रोइंग एंड इट्स स्प्रेडिंग। अच्छा, वैसे आई बिलीव के ये पता नहीं क्यों मेरे जहन में एक बात आई, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये चीज़ें या जब भी कम्युनल वायलेंस या इस तरह की कोई चीज़ इसका थ्रेट होता है, तो आई बिलीव इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व होती है, रिस्पांसिबिलिटी लेती है चीज़, वो एडमिनिस्ट्रेशन होती है। आई डोंट नो व्हाई उनके एडमिनिस्ट्रेशन के इतनी इनकैपेबल है कि वो कर नहीं पा रही इस चीज़ को, इतनी इनकैपेबल है। लेकिन इस चीज़ में, इस चीज़ को ये कहा जा सकता है कि या तो जितनी मर्ज़ी वो जो कहते हैं ना कि इंडिया की इकॉनमी, इंडिया की मुख्तलिफ चीज़ें बहुत आगे हैं पाकिस्तान से, बल्कि एशिया के अंदर इंडिया इज़ लीडिंग, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ बीजेपी हमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखी है। और ये चीज़ इस वो जिस तरह कहते हैं ना कि ये चीज़ ऐसी नहीं होती कि आपको कि बस आपकी कंट्री में है तो ठीक है, ये इसका आउटफ्लो होता है जो कि जिसका असर होता है बाकी कंट्रीज़ पे, जो कि एक एक तरह का सोर्स ऑफ जैसा कहना चाहिए फ्यूल होता है, और वो बेसिकली दूसरे कंट्रीज़ के अंदर आपकी दूसरी माइनॉरिटीज़ जो हैं वो अफेक्ट होती हैं इससे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये है यहाँ पे, और ये अक्सर होता है ऐसा ही है, आई स्टिल रिमेंबर कि जब वहाँ पे मंदिर वगैरह गिराए जाते थे या मुख्तलिफ चीज़ें होती थी, मस्जिदें वगैरह गिराई जाती थी, तो अनफॉर्चुनेटली, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि ये अच्छी चीज़ है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर फिर मंदिर गिरा दिए जाते थे, और ये चीज़ें इसका वो जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी अक्रॉस द बॉर्डर्स होता है। तो इस चीज़ को आई बिलीव के देखना चाहिए उनकी सिविल सर्विस को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और साथ में पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, कि इस चीज़ को कैसे जो है वो बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा वो बताना चाह रहा था कि एक तो ये आप देख रहे हैं कि रिलीजियस इंटॉलरेंस स्पेसिफिकली जो मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, इसकी एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जो एक स्टोरी आ रही है वो ये है कि इंडिया में कुछ जो 12th स्टैंडर्ड की जो बुक्स हैं हिस्ट्री की, उसके अंदर से मुगल हिस्ट्री को निकाला जा रहा है, उन चैप्टर्स को निकाला जा रहा है। इसकी अगर मैं ज़्यादा थोड़ी डिटेल्स में चला जाऊँ तो वो ये है कि जो इंडिया का सेंट्रल बोर्ड है सेकेंडरी एजुकेशन का और जो यूपी का उनका बोर्ड है, उन्होंने 2 चैप्टर 12वीं 12th ग्रेड से निकाले हैं, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स एंड द मुगल कोर्ट्स, ये दो निकाले हैं जिसके अंदर मुग़ल हिस्ट्री को वो किया जा रहा है। अच्छा, जो उनके डायरेक्टर हैं, जो इंडिया के अंदर एक और अदारा होता है जिसे NCERT कहते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि एजुकेशनल एक तरह से कंसल्टेंसी आप कह लें, या जो भी एक एडवाइजरी बोर्ड टाइप आप कह लें, EGC होता है। जो डायरेक्टर है NCERT के, दिनेश प्रसाद सकलानी, उन्होंने डिनाई किया। उनका ये कहना है कि कोरोना के दरमियान स्टूडेंट्स के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा था, एक्सपर्ट्स से बात की तो उन्होंने ये 2 चैप्टर्स कहे थे कि रिमूव किए जा सकते हैं, इतने इसके वो नहीं है। लेकिन ये मुझे बहाना ही लग रहा है कि यही 2 थे जो, अच्छा बहाना है, और वैसे ऑलमोस्ट बिलीव्ड इट ऑलमोस्ट, और वो भी वो मुगल, एक बहुत बड़ा, आप जिस तरह पहले आपसे एक बात हो रही थी कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में या उनकी जो कल्चरल हेरिटेज है जिसे वो पूरी दुनिया में मार्केट करते हैं, उसके अंदर मुगल जो आर्किटेक्चर है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप बेशक उनके वो देख लें, ताजमहल देख लें या दूसरे उसका, यस, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स तो उन्हीं के पास हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये अभी एक जो मैं दूसरी न्यूज मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था। एक क्लैरिफिकेशन ये दी जा रही है कि ये या तो 2023 से 2024 के बैच के लिए होगा, ये 2024 से 2025, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी।
तो वो कह रहे हैं ये अभी चैप्टर्स रिमूव नहीं किए लेकिन ये रिमूव होने वाले हैं, ये वो थी, आप आयशा बताएं सेगवे। एट द सेम टाइम जहाँ पे हम इंडिया को अगर कहते हैं कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ का कोई हाल नहीं रहा, तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। अभी वीकेंड पे आई बिलीव एक सिख ट्रेडर को जो है वो टारगेट किया गया था, उसको उसकी शॉप पे जो है वो शूट किया गया था। लेटर द अटैक वॉज क्लेम्ड बाई ISKP दायल सिंह थे जिन्होंने जिनके बेगम और मेरे ख्याल से तीन बच्चे हैं, ही वॉज 35 ईयर्स ओल्ड एंड ही वॉज शॉट डेड इन पेशावर। सो दिस वॉज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट इन पाकिस्तान। सिक्स को जो है वो पहले भी टारगेट किया गया था, पिछले दो सालों में जो है वो 4 सिक्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इस तरह से शूटिंग्स में, और दो जो हैं उनमें से क्लेम की गई हैं ISKP से। जो दूसरा केस ISKP ने क्लेम किया था वो सतनाम सिंह का था, जो कि 2021 के सितंबर में हुआ था। ही वॉज इन हिज शॉप वर्किंग और वहाँ पे आके जो है वो उनको शूट कर दिया गया था मल्टीपल टाइम्स। अच्छा, इसमें अभी अदील आपने थोड़ी देर पहले बात की कि हम इंडिया की इकोनॉमी के बारे में सुनते हैं लेकिन इस तरह की स्टोरीज के बारे में नहीं आता। इसी का एक जो आप एग्जांपल ले सकते हैं, अभी रिसेंटली अंबानी फैमिली ने एक इवेंट किया था, एक लॉन्च थी उनके नीता मुकेश अंबानी का कल्चरल सेंटर का, जो कि बेसिकली इंडियन कल्चर को दुनिया में फैलाने के लिए था, और उसके अंदर बड़े हॉलीवुड स्टार्स को भी बुलाया गया था, बॉलीवुड स्टार्स भी थे। बड़ा एक फनी वो था, कल्चरल क्लैश मोमेंट देखा था हमने जब, यानी टॉम हॉलैंड और निक जोनस और जीजी हदीद और जेंडेया टाइप के लोग आए हुए थे और उनको इंडियन पपराती जो है वो एड्रेस करने की कोशिश कर रही थी, और उसमें टॉम हॉलैंड जो है टॉम होमकमिंग बन गए थे या मकड़ी मैन बन गए थे, और जेंडेया जो है वो तो बेचारी झंडेया हो गई थी। और जो जीजी हदीद है उसे तो वो क्या बना दिया था, शकीरा बना दिया था। शकीरा आ रही है। बट यानी अगेन आई थिंक इट्स वेरी फैसिनेटिंग जिस तरह से इंडिया ने जो है वो इवन द लाइव्स ऑफ अपनी पापराजी इस तरह से वो की है। आई रिमेम्बर अल जजीरा ने जो है वो एक वो की थी, डॉक्यूमेंट्री की थी ऑन द लाइव्स ऑफ पापराजी के लोग, किस तरह से जो है वो लिटरली झंडों में फॉलो कर रहे होते हैं एक सेलिब्रिटी को और एक दूसरे के ऊपर चढ़ के शॉट्स ले रहे हैं पर पिक्चर के को पैसे होते हैं इनके। बट फिर भी यानी उनकी पूरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो इस चीज पे यू नो थ्राइव कर रही है। फिर इसी तरह से जब इनकी सेलिब्रिटी वेडिंग्स होती हैं तो उन लोग का कितना इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है फिर से बिल्कुल पापराजी का। अच्छा, इसमें एक चीज जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, मैं मेंशन करना चाह रहा था कि ये तो है कि टॉम होमकमिंग वगैरह सब कुछ, जैकी श्रॉफ साहब भी वहाँ पर आए हुए थे बॉलीवुड स्टार्स में, और वो गमला साथ लेकर आए हुए थे। अब मुझे नहीं पता वो गमला क्यों लेकर आए थे, क्या था, लेकिन वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो था इवेंट के अंदर गमला ले आना। इसके अलावा मैं जो बात करना चाह रहा था अदील कि क्या वजह है कि इंडिया इतना अच्छा मार्केट कर पाता है अपने कल्चर को, अपने कल्चर को, अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को। यार आई पर्सनली बिलीव के इरिस्पेक्टिव ऑफ दी पॉलिटिकल पार्टी जो कि इंडिया के अंदर पावर में रहती है, बट उनकी कुछ स्टेट पॉलिसीज़ जो है ना वो काफ़ी डिफाइंड हैं। फॉर एग्जांपल आप इंटरनल चीज़ों पे बात करेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहाँ पे कम्युनल वायलेंस है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बट फिर भी उनकी सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है और वो स्टेट पॉलिसी है उनकी। आप जहाँ भी जाएँ, फॉर एग्जांपल आप रिसेंटली देख लें IPL हो रहा है वहाँ पे, तो वो मतलब उन्होंने इतनी बड़ी एक तरह की एम्पायर खड़ी कर दी है कि भाई पूरी दुनिया की कंट्रीज़ के क्रिकेटर्स अपनी नेशनल ड्यूटी को छोड़ के जो है वो IPL खेलने आ जाते हैं। एक तो इसमें इनडायरेक्टली कह रहे हैं बेशक आप इकॉनमी का हाथ है क्योंकि वो पैसे देते हैं, वो अच्छे खासे पैसे देते हैं, तो फिर वो जो क्रिकेटर्स या फिर जो इवन जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं वो आते हैं, जिसकी वजह से आपकी सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन होती है। साथ में यार मेरे ख्याल से अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करें ना कि पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाया, तो मेरे नज़दीक इसका सिर्फ एक ही रीज़न है और वो ये है कि हमारी स्टेट पॉलिसी बहुत कमज़ोर रह रही है। और अगर हम मैं इसको थोड़ा और कैटेगराइज करूँ तो शायद आप ये देख लें कि हम TLP के साथ किस तरह जो है वो डील करते हैं, लेकिन उनके यहाँ इस तरह की चीज़ स्टेट लेवल पे नहीं होती। हमारे यहाँ स्टेट लेवल पे जी हम जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं उनसे, उनके यहाँ नहीं होता ये। नहीं, TLP
टीएलपी भी लेकिन मेजर जो रोल देखा जा रहा है वो टीएलपी का, और सिर्फ टीएलपी भी नहीं, आपका जो सेंसर बोर्ड है वो भी जो इस किस्म की जो एक्चुअल अच्छी मूवीज होती हैं, आर्टिस्टिक मूवीज होती हैं, उनके ऊपर क्लैम्प डाउन करता है। बट दिस आल्सो हैपेंस इन इंडिया। अब जब पठान आ रही थी तो उस पर किस किस्म के वो आए थे, जब कश्मीर फाइल्स हुई थी तो किस किस्म की, यानी जो सपोर्ट उस फिल्म के लिए था वो पठान के लिए नहीं था, हालांकि पठान। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पठान फिर भी थिएटर्स में दिखाई गई। पाकिस्तान में तो ये होता है बैन कर देते हैं, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है, फिर बाहर के सिनेमाज में दिखा लिया जाता है। लेकिन अभी तक जावेद इकबाल जो है पाकिस्तान में नहीं दिखाई गई, जिंदगी तमाशा पाकिस्तान में नहीं दिखाई गई, जॉयलैंड दिखाई गई है वो भी उसमें बड़े चेंजेस हुए हैं, जिंदगी तमाशा के अंदर भी जो इनिशियल कट था उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस अब रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि किए जा रहे हैं। जो जावेद इकबाल थी उसका एक पूरा नया ट्रेलर बना है, उसका नाम ही चेंज कर दिया, मेरा ख्याल है कुकड़ी रखना है उसका सिर्फ वो करने के लिए। तो इस तरह तो हमारी वो नहीं हो पाएगी जो हम चाह रहे हैं कि एक प्रोजेक्शन पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर की हो। सॉफ्ट पावर से एक और चीज़ जिसके ऊपर मैं आना चाह रहा था, अरसलान ऐश, पाकिस्तान के मेरे ख्याल से जो सबसे बड़े ई स्पोर्ट प्लेयर हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं अगर आप ग्लोबली भी देखें तो उनका टॉप उसमें नाम आता होगा। वो अपना तीसरा टाइटल जीत चुके हैं टेकन 7 का और ईवो जापान 2023, जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस किस्म का एक टूर्नामेंट होता है, टॉप आपके पास आते हैं, कॉम्पिटिशन होता है, और बग़ैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के पाकिस्तान में आपने वो देखे होंगे कि जो हमारे गेमिंग के कुछ शॉप्स होती हैं, लाउंजेस जो होते हैं वो किस किस्म के होते हैं, बग़ैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के एक बंदा इस स्टेज पे जा रहा है। आप फिर भी कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान में नहीं लेकर आ पाए जो ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। पीटीआई की गवर्नमेंट में कुछ बात की जा रही थी कि हम लेकर आएंगे, टूर्नामेंट होगा, लेकिन उसका कुछ हो नहीं पाया। आयशा क्या लैक कर रहा है, क्या हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है, या फिर हम इतने शॉर्ट साइटेड हैं कि हमें नज़र नहीं आता कि इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट या कल्चरल इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, हम बस ये देखते हैं हमें जल्दी पैसा चाहिए। आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ बोथ। ऑब्वियसली शॉर्ट साइटेडनेस तो है ही हमारी, और हम बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम ओवरलुक कर जाते हैं। At the same time, I think even culturally हमारे यहाँ वो सपोर्ट नहीं है। अब if you tell a parent के गेम खेलनी है, हाँ, कि मुझे बड़े होके गेमर बनना है e-sports का, तो वो तो आपको सीधा करेंगे ना फिर। तो आई थिंक एक तो हमारा कल्चरल एटीट्यूड टूवर्ड्स आर्ट्स, एंड अच्छा अनदर थिंग दैट आई हैव सीन इज के पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ द यानी इस्लामियाइजेशन उसे कहनी चाहिए ये नहीं, पर यानी जो एक हमने पब्लिक थॉट की रिलीजियस वो देखी है ना शिफ्ट, उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा हमारा जो कल्चर है और वो जो हमारा आर्ट्स है वो सफ़र किया है। अच्छा यार, ये अरसलान ऐश वाले पे तो रिसेंटली बीबीसी का एक आर्टिकल था, वो बड़े मज़े का लिखा हुआ था। उसमें दो तीन चीज़ें जो उसकी हेडलाइन से वाजे हो रही थी वो तो यही थी कि बेसिकली अभी ये इनका अरसलान का पीक नहीं है। इनका पीक वो था जब ये बिल्कुल यंग थे, और मतलब जिस टाइम बड़ा बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, अपने बंदा अपने टीन्स में होता है, तब बंदे के रिफ्लेक्सेस बहुत तेज़ होते हैं, और ये पूरी गेम रिफ्लेक्सेस पे होती है आपकी जो ई स्पोर्ट्स होती हैं। लेकिन फिर भी अभी मतलब ना होने के बावजूद, मतलब इतना लेट होने के बावजूद भी जो है बंदा जो है वो डोमिनेट कर रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ सही है कि हमारा कल्चरली हमारी सोसाइटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो जो है ना वो इस तरह की चीज़ें सपोर्ट कर सके। उनके नज़दीक सिर्फ यही होता है कि बच्चा जो है वो अच्छे नंबर लेके मैट्रिक एफएससी करके इंजीनियर डॉक्टर ये लग जाए। उसमें कोई शक नहीं है कि हमारा एज अ सोसाइटी हमारी ऐसे ही सोचती है, जिसकी वजह से फिर इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि इंकरेजमेंट है। अरसलान ऐश इज़ ए पर्सनैलिटी जो शायद और नहीं तो बिल्कुल, और फैमिली शायद उससे सीखें, और अगर कोई बच्चा है जो कि ई स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहता है या उसको परसू करना चाहता है एज अ करियर, तो उसको सपोर्ट करें। बिल्कुल, तो ये चीज़ जनरली भी अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि हम जो है वो एक तो हमारी जिस तरह से हमने अपनी डिजिटल एंटरटेनमेंट और इस चीज़ को ग्रो करने दिया है, जो कि हमने नहीं करने दिया, ठीक है, हमने उसको बहुत हैम्पर किया है। जब यानी जब यूट्यूब वाली इकोनॉमी पे कैपिटलाइज करने का टाइम था, तो हमारे यहाँ जो है वो यूट्यूब वाले सब बैठे हुए थे, बैन था यूट्यूब, बैन था, डेली मोशन पे चल रहा था और फेसबुक पे चल रहा था सर। तो यानी यही बात है कि हम जो है वो बहुत शॉर्ट साइटेड एक अप्रोच लेके चलते हैं, और बहुत ही बैनिंग कल्चर बहुत ज्यादा है, क्या कहते हैं उसको, प्रोएक्टिवली नहीं लेके चलते हैं, बहुत रिएक्टिवली चलते हैं विद
डिजिटल मीडिया एंड सोशल मीडिया, जबकि इफ़ यू कैन हार्नेस इट प्रॉपरली, तो जैसा हमने देखा कि इंडिया के साथ, जैसा हमने देखा जापान के साथ, कि देयर इज सो मच स्कोप कि आप जो है वो पूरा पूरे वर्ल्ड को अपना दिखा सकते हैं। इवन कोरिया ने जिस तरह से अपनी सॉफ्ट पावर को, और हमें ये नहीं होता कि फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स की ई स्पोर्ट्स को कवर करें या फिर उसे स्पेस दे रहे हैं तो वो सिर्फ ई स्पोर्ट्स के लिए होगा, इसमें और भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज फिर मिल जाती हैं और एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इसमें फिर मीडिया भी आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा और लोग आ जाते हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक चीज़ जिस तरह आपने कहा कि हम बहुत रिएक्टिव चलते हैं, इसमें एक मैं एग्जांपल देना चाह रहा था पबजी का, पिछले साल आपने कुछ देखा होगा, पिछले सालों में कुछ कोरोना के पीरियड में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली के बैन किया गया, और जो वजूहात पीछे दिखाई देती थी वो ये थी कि एक बच्चे ने किसी को मार दिया या किसी बच्चे ने अपने घर वालों को मार दिया तो वो कहते थे इसके मोबाइल में पबजी थी इसलिए मार दिया पबजी। अब वो और भी बहुत कुछ करता था, वो ऑफिस भी जाता था या वो स्कूल भी जाता था, वो खाना भी खाता था, वो किस वजह से कर सकता है, आप एक गेम पे डालने की क्योंकि गेम है, किसी चीज़ के ऊपर आपने ब्लेम डालना होता है ताकि आपके सर से उतरे, आप डाल के उसे बैन कर देते हैं। तो जब तक ये चीज़ ठीक नहीं होगी तो आई थिंक हम ठीक से इसे कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर बैन की बात की जाए तो इटली में चैट जीपीटी को बैन कर दिया गया, और बैन इसलिए किया गया कि प्राइवेसी के कंसर्न्स थे, डेटा मैनेजमेंट के थे। उनका ये कहना था कि जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं चैट जीपीटी के और जो कंज्यूमर्स हैं, जो लोग यूज़ करें उनके दरमियान, उसे स्टोर किया जाता है, फिर उसे एनालाइज किया जाता है। प्लस एक ये भी था, रिपोर्ट्स थी कि कुछ डेटा ब्रीच हुआ है कॉन्वर्सेशंस का, और जो लोगों के पेमेंट मेथड्स थे उसके कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, उसकी भी बातचीत आ रही थी, तो इसके वजह से इसे बैन किया गया। एक ये भी वजह थी कि एज का मसला था कि किसी भी एज के बच्चे इसे एक्सेस कर सकते हैं और फिर वो किस किस्म का कंटेंट आ जाता है कुछ कहा नहीं जा सकता। इवन दो मैं इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि चैट जीपीटी जिस जिसने यूज़ की है उसे पता होगा कि उसके अंदर ऑलरेडी कुछ सेफगार्ड्स बने हुए होते हैं कि किस किस्म का कंटेंट जा सकता है, किस किस्म का नहीं। कोई भी ऐसी चीज़ जो ग्लोरीफाई करती है वायलेंस को या इस तरह की कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें जो होती हैं उसके ऊपर वो जवाब देने से मना कर देता है। इसके अलावा जहाँ तक बात है इस बैन की, तो ये कहा जा रहा है कि 20 दिन है चाहे ओपन एआई के पास, यानी चैट जीपीटी ओपन एआई ओन करती है, उनके पास 20 दिन है। एक तो वो अपनी कोई लाहे अमल बताएं कि वो किस तरह इसको एड्रेस करेंगे इन कंसर्न्स को। दूसरा, या तो वो 20 मिलियन यूरोज़ का फ़ाइन दें या अपना 4% एनुअल रेवेन्यू दें। अच्छा, एक और चीज़ जिसके ऊपर मैं आना चाह रहा था, ये काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि उनके ट्विटर के जो होम पेज के लोगो जो है वो चेंज क्यों हो गए, कुत्ते की पिक्चर क्यों आ गई है। और बेसिकली जो वो कुत्ते की पिक्चर है वो डोज कॉइन की पिक्चर है, जो एक क्रिप्टो करेंसी है जिसमें बिटकॉइन है। अच्छा, इलॉन मस्क का ये देखा जाता है कि वो डोज कॉइन को बड़ा सपोर्ट करते हैं, करते रहे हैं, उनकी SNL में एक अपेयरेंस थी उसके अंदर भी डोज कॉइन को, वैसे खैर उसमें तो उन्होंने पंप एंड डंप स्कीम कहा था, लेकिन ये शुरू तो हुआ था एज ए जोक डोज कॉइन जो है, लेकिन फिर वो मजाक में बात कहाँ से कहाँ निकल गई। शुरू मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अगर देखा जाए 1 रुपये का होता था डोज कॉइन, मतलब अभी 1-2 साल पहले, और ये पीक पे गया था मेरा ख्याल है 100 रुपये तक गया था और फिर दोबारा क्रैश किया था। इनके ऊपर लॉसूट्स भी हुए थे इसी वजह से कि काफ़ी लोगों ने कहा था कि डिफ्रॉड किया गया है या फिर एक मिसलीड किया गया है लोगों को अपना प्रॉफिट बनाने के लिए, वो लोग जिन्होंने डोज कॉइन में पैसे लगा दिए और वो एकदम जब क्रैश किया 100 रुपये से नीचे आया तो काफ़ी लोगों के पैसे उड़ गए। खैर, अब जो ये जो आइकन चेंज हुआ है ट्विटर का, उसके बाद से 30% ऑलमोस्ट बिटकॉइन की प्राइस दोबारा से ऊपर गई है, और ये बेसिकली मजाक ही था इलॉन मस्क का। एक ट्विटर यूज़र के साथ एक्सचेंज था 1-2 साल पहले ट्विटर के ऊपर, ट्विटर यूज़र ने कहा था कि आप ट्विटर को ख़रीद दें और उसका जो लोगो है वो डोज कॉइन कर दें, तो उस वक्त इलॉन मस्क हंस रहे थे, और अब उन्होंने जब ये कर लिया तो उन्होंने स्क्रीनशॉट लगा के कहा प्रॉमिस फुलफिल। तो बेसिकली ये स्टोरी है जो आप लोगों को आपके ट्विटर के ऊपर एक कुत्ते की पिक्चर नज़र आ रही है। क्या बात है मस्क की। इसी के साथ ये थी हमारी आज की डायरेक्टरेट न्यूज़ की एपिसोड। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपका वीक कैसा गुजरा, और जो नेक्स्ट वीक डायरेक्टरेट न्यूज़ की एपिसोड है उसमें कौन सी ऐसी न्यूज़ स्टोरीज़ हैं जो आप चाहते हैं हम कवर करें। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। वी हैव नोटिस दैट मोस्ट ऑफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, सो वी एनकरेज यू टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।